हाय गाइस, भारद्वाज ट्यूटोरियल से मैं हूं अजय भारद्वाज। आज क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया जाएगा, जिसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो भी टॉपिक है वो जो सीबीएसई सिलेबस में इंक्लूड है वो आपको रेगुलरली कराए जाएंगे। तो आज का जो यूनिट है वो सेकंड यूनिट है जिसके नेम इंडिकेट किया गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर थर्ड का नेम भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है और दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज बेसिक इंट्रोडक्शन से इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले आपने फर्स्ट यूनिट स्टडी किया है, यूनिट फर्स्ट जो आपने स्टडी की है उसका नेम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इस यूनिट में वी हैव लर्नड अबाउट द चार्ज, चार्ज एट रेस्ट। आपने जो यूनिट फर्स्ट स्टडी की है, जो मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बच्चों आपने स्टडी किया था कि जो चार्ज होता है एट रेस्ट पे होता है, चार्ज एट रेस्ट पे, हर एक कंडीशंस में चार्ज एट रेस्ट पर है, उसको आपने स्टडी किया। लेकिन इन द यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी वी हैव स्टडी द चार्ज इन मोशन। आप जो यूनिट सेकंड है उसमें क्या पढ़ोगे, चार्ज इन मोशन के बारे में पढ़ोगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ोगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charge in motion। इस यूनिट में, सेकेंड यूनिट में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें आप स्टडी करोगे कि जो चार्ज है वो मोशन में है, चार्ज के मोशन के कारण क्या क्या इफेक्ट हैं और क्या क्या फिनोमेना इससे रिलेटेड होते हैं, इनके बारे में आप इस चैप्टर्स में स्टडी करोगे कि चार्ज जो मोशन में होगा वो क्या बिहेव करेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी को बिहेव करेगा, जो चार्ज रेस्ट में होगा वो किसको बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बिहेव करेगा। तो नाउ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। सपोज टू कंडक्टर्स, आपके पास एक टू कंडक्टर्स है, ए कंडक्टर एंड बी कंडक्टर्स। सपोज टू कंडक्टर्स, ए कंडक्टर एंड बी कंडक्टर्स, दीज टू कंडक्टर आर फिक्स ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। इनको फिक्स किया गया है किस पर, इंसुलेटिंग स्टैंड पर। ये दोनों क्या, आईएस मींस इंसुलेटिंग स्टैंड है, एक कंडक्टर और बी कंडक्टर है। इन दोनों कंडक्टरों को फिक्स किया गया है एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर और दोनों कंडक्टर प्लेस है एट ए सूटेबल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। दोनों के बीच में क्या है, एक डिस्टेंस है, ये क्या है, बीच वाली एयर है। एयर इज आल्सो द इंसुलेटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज। कि दो कंडक्टर लिए, दोनों कंडक्टर को इंसुलेटिंग स्टैंड पर फिक्स किया और उन दोनों कंडक्टर को बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, अपार्ट कर दिया फ्रॉम ईच अदर, और इन कंडक्टरों पर अप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या अप्लाई किया, पीडी अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई एग्जिस्ट किया बिटवीन द टू कंडक्टर्स। इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में पीडी को अप्लाई किया, एग्जिस्ट किया। अप्लाई करने के बाद देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अदर कंडक्टर। जब पीडी अप्लाई किया तो पीडी अप्लाई करने के बाद क्या होगा, नो फ्लो ऑफ चार्ज। पीडी को अप्लाई करने के बाद देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज ऑन द टू कंडक्टर्स। इन दोनों कंडक्टर पर कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा, चार्ज का फ्लो नहीं होगा बिकॉज एयर एग्जिस्ट बिटवीन द टू कंडक्टर्स। इनके बीच में क्या एयर है, एयर क्या होती है, इंसुलेटर्स होती है। बट दीज टू कंडक्टर इज आल्सो These two conductor is also connected by the wire. इन दोनों कंडक्टरों को वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि दोनों कंडक्टर्स पे क्या था,
जो चार्ज थे दोनों डिफरेंट पोटेंशियल पे चार्ज थे, ए और बी दोनों कंडक्टर क्या थे, डिफरेंट पोटेंशियल पे चार्ज थे। जैसे इनको इस वायर से कनेक्ट किया तो वायर से कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि जो पोटेंशियल है वो फिलो हुआ। पोटेंशियल क्या हुआ, फिलो हुआ। पोटेंशियल कैसे फिलो होता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल फिलो होने के कारण क्या हुआ कि जो कंडक्टर्स थे, जो चार्ज कंडक्टर थे, उनका चार्ज भी क्या हुआ, फिलो हुआ। और ये चार्ज कब तक फिलो हुआ, जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल कांस्टेंट या रिमेन सेम ना हो जाए। चार्ज जब तक फिल हुआ, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल कांस्टेंट ना हो जाए। तो इट मींस चार्ज फिलो इन ए डेफिनेट डायरेक्शंस, चार्ज फिलो इन ए डेफिनेट डायरेक्शंस इज आल्सो क्रिएट द इलेक्ट्रिक करंट। कि जहां पे चार्ज फिलो होगा, चार्ज फिलो होता है इन डेफिनेट डायरेक्शंस, चार्ज यहां फिलो होता है किसमें, डेफिनेट डायरेक्शंस में फिलो होता है, वहां पे क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। कि जहां पे चार्ज फिलो होगा डेफिनेट डायरेक्शंस में, वहां पे क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है। और द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। कि जैसे ही चार्ज का फिलो हुआ तो चार्ज किस में आ गया, मोशन में आ गया। चार्ज फिलो इन द मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। कि जहां चार्ज मोशन में आता है वो क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। और जहां पे चार्ज फिलो होता है डेफिनेट डायरेक्शंस में, वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। बहुत सारे फिनोमिनोन है जहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है। जैसे इन केस ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग में क्या होता है कि चार्ज फिलो होता है फ्रॉम लाइटनिंग, लाइटनिंग जो होती है जो बिजली कड़कती है, लाइटनिंग में क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो फिलो होता है। चार्ज कैसे फिलो होता है, चार्ज फिलो फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ, क्लाउड्स टू अर्थ। चार्ज जो फिलो होता है वो कैसे फिलो होता है, क्लाउड से अर्थ की तरफ फिलो होता है इन केस ऑफ लाइटनिंग। बट दिस इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशंस, कि जो लाइटनिंग होती है वो फॉर शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए होती है। उस शॉर्ट ड्यूरेशंस को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। कि जो करंट क्रिएट होता है पूरे शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए ड्यू टू फिलो ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज के फिलो होने के कारण जो करंट कंस्टिट्यूट होगा फॉर शॉर्ट ड्यूरेशंस, छोटे से टाइम के लिए, उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। कि फॉर शॉर्ट ड्यूरेशंस, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, कि जो शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए होता है वो क्या होता है, ट्रांजिएंट करंट होता है। उसे क्या कहते हैं, हम ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। कि जो करंट शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए होता है वो क्या होता है, ट्रांजिएंट करंट होता है। और जैसे हमारी वॉल क्लॉक है, उस वॉल क्लॉक में रेगुलरली करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होते रहता है, आयंस फ्लो होते हैं, तो वो भी क्या करता है, कंस्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं भी जहाँ भी चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी, वन बॉडी टू द अदर बॉडी इज कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। बट चार्ज इन ऑलवेज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। कि जहाँ पे चार्ज मोशन में होगा वो क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। जहाँ चार्ज रेस्ट में हो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टेटिक्स होता है। तो इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं करंट कैरियर्स के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय द करंट कैरियर्स। इसी में बेसिक पॉइंट चलेगा करंट कैरियर्स। नेक्स्ट है बेसिक इंट्रोडक्शंस में करंट कैरियर्स, व्हाट डू यू मीन बाय करंट कैरियर्स। नाउ डिस्कस करंट कैरियर्स। What do you mean by the current carriers? Current carriers क्या है? Consider AB be a rod. AB एक rod है. Any metals. The charged particles. This is charged particle.
ABB a rod and this is dotted also inside the rod represent the charged particle. These charged particle also move in a definite directions. कि जो चार्ज पार्टिकल इस रॉड पर है वो चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं इन डेफिनेट डायरेक्शंस में. चार्ज पार्टिकल जो मूविंग करते हैं इन डेफिनेट डायरेक्शन में और कंस्टिट्यूट करते हैं किसको, किसको कंस्टिट्यूट करते हैं, आई को. आई मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, करंट कैरियर्स कहते हैं. तो इट मीन्स करंट कैरियर्स क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शंस, फ्लो इन ए इनडेफिनेट डायरेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड करंट कैरियर्स. द चार्ज पार्टिकल हुज फ्लो इन अ डेफिनेट डायरेक्शंस एंड कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड करंट कैरियर. कि कहीं भी चार्ज पार्टिकल जो एक ही डायरेक्शन में, एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करते हैं और किसको बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, करंट कैरियर्स कहते हैं. करंट कैरियर्स इज ऑल्सो डिफरेंट इन द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज. जो करंट कैरियर्स की जो वैल्यू होती है, सॉलिड में अलग करंट कैरियर्स होते हैं, लिक्विड में अलग होते हैं और गैसेज में अलग होते हैं. तो नाउ डिस्कस ईच पार्ट ऑफ द करंट कैरियर्स. फर्स्ट पॉइंट है करंट कैरियर्स इन सॉलिड. कि जो करंट कैरियर्स होते हैं सॉलिड में क्या होते हैं, द करंट कैरियर्स इन सॉलिड लाइक मेटल. आपने कोई भी मेटल लिया है, एक मेटल है, उस मेटल में क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल में क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रेंडमली फ्री मूव करते हैं एंड नॉट अटैच टू द इंडिविजुअल एटम्स. कि जो मेटल है उस मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये रेंडमली फ्री मूव करते हैं और किसी भी इंडिविजुअल एटम के साथ अटैच नहीं होते. जैसे कोई मेटल लिया आपने, ये मेटल है, इस मेटल में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये रेंडमली है. लेकिन जैसे ही इस पर आपने क्या किया, अप्लाई कर दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाई कर दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया. तो अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो मूव करते हैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में. वो किसे मूव करते हैं, एक डेफिनेट डायरेक्शन मूव करते हैं और क्या बनाते हैं, कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट. This called solid. तो it means solid में जो current carriers है वो क्या है, balance electron है. तो balance electrons in current carrier, in current carriers, carriers of solid. Solid के balance electron है, current carrier के रूप में काम करते हैं. तो कोई पूछ ले कि सॉलिड में जो करंट कैरियर वो क्या है, वो क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो इसका मतलब क्या कि अगर कोई भी मेटल है सॉलिड के रूप में, मेटल है, उस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो रेंडमली मूव करते हैं और किसी भी इंडिविजुअल एटम के साथ अटैच नहीं होते. लेकिन जैसे ही आप अप्लाई करते हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो मूव करते हैं डेफिनेट डायरेक्शन में और कंस्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, कंस्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, इज कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. दिस बैलेंस इलेक्ट्रॉन आल्सो करंट कैरियर्स इन सॉलिड. तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, करंट कैरियर है सॉलिड के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट चलता है इसका, लिक्विड. करंट कैरियर्स इन लिक्विड, करंट कैरियर्स इन लिक्विड. लिक्विड में करंट कैरियर्स कौन कौन से होते हैं, पॉइंट अगला है लिक्विड. लिक्विड के रूप करंट कैरियर्स इन लिक्विड लाइक इलेक्ट्रोलाइट. हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में स्टडी करेंगे कि जो लिक्विड है करंट कैरियर के रूप में, उस लिक्विड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ही क्या है, करंट कैरियर्स है लिक्विड के. जैसे इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, कॉपर सल्फेट, CuSO4 और NaCl, ये सब क्या है हमारे पास,
ये क्या है, लाइट इलेक्ट्रोलाइट्स है। लिक्विड में जो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, कॉपर सल्फेट एंड NaCl। नाउ डिस्कस कॉपर सल्फेट। कॉपर इज आल्सो प्लस चार्ज, सल्फर इज आल्सो नेगेटिव चार्ज, सोडियम आल्सो प्लस चार्ज, क्लोरीन आल्सो नेगेटिव चार्ज। तो इट मींस अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइट्स, द पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड आल्सो करंट कैरियर्स इन द लिक्विड। तो इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आल्सो करंट कैरियर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आल्सो करंट कैरियर्स इन लिक्विड। इन लिक्विड, लिक्विड में क्या क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आल्सो करंट कैरियर्स होते हैं लिक्विड के अंदर। तो करंट कैरियर्स लिक्विड में कौन से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इन गैसेस, इन गैसेस, इन गैसेस बेसिकली गैसेस इन द करंट कैरियर आल्सो इंसुलेटर्स। जो गैसेस होती हैं ऑलरेडी में क्या होती हैं, इंसुलेटर्स होती हैं। वैसे जो गैसेस होती हैं करंट कैरियर ग्रुप में, ये क्या है, इंसुलेटर्स होती हैं। बट अप्लाई द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लो प्रेशर, कि जब हम इन गैसेस पर अप्लाई करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लो प्रेशर, जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लो प्रेशर अप्लाइड करते हैं गैसेस पर, तो ये गैसेस क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है। तो ये गैसेस क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है, एक्सप्लोज हो जाती है इनटू एक्सरेज के रूप में। ये गैसेस क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है, और ये एक्वायर करती है पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव आयंस और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जो गैसेस है वो क्या कंटेन करती है, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो करंट कैरियर्स। ये क्या है, करंट कैरियर। तो गैसेस में पॉजिटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन आर आल्सो करंट कैरियर्स इन द गैसेस। नाउ वंस अगेन द गैसेस, गैसेस आर बेसिकली इंसुलेटर्स। गैसेस क्या होती है, बेसिकली इंसुलेटर्स होती हैं। बट अप्लाई द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द लो प्रेशर, गैसेस आल्सो आयनाइज्ड या एक्सप्लोर टू एक्सरे, गैसेस आयनाइज जाती हैं। तो दिस गैसेस आल्सो कंटेन द पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आल्सो कॉल्ड करंट कैरियर इन द गैसेस। तो करंट कैरियर इन सॉलिड, पॉइंट फर्स्ट, इन सॉलिड में जो करंट कैरियर होते हैं वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन लिक्विड में जो करंट कैरियर होते हैं वो पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयंस होते हैं। इन गैसेस में जो करंट कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन आल्सो द करंट कैरियर इन द गैसेस। तो बेसिकली कंक्लूजन ऑफ द करंट कैरियर्स, करंट कैरियर्स होता क्या है, द चार्ज पार्टिकल हुज फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शंस कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। कि जहां पे कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्लो होता है एक डेफिनेट डायरेक्शंस में, और क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करता है, उसे क्या कहते हैं, करंट कैरियर्स कहते हैं। आज ये बेसिक इंट्रोडक्शन था किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको टॉपिक कराए जाएंगे। प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स इन द नोटबुक, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।